और मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ कुमारी दीक्षा पूजा को, जो छत्तीसगढ़ से आई हुई हैं और कल थोड़ी देर कमरे में बैठी थी, वो BSc कर चुकी है। और थोड़ा से बोलो, सट करके बोलना माइक के पास। हाँ बोलो बोलो बेटी। बोली सद्गुरुदेव की जय। माइक को थोड़ा नीचे कर दे। हाँ करो करो तू बोलो। हाँ परम पूज्य गुरुदेव जी, आदरणीय संत समाज एवं समस्त साध्विकाएं, मेरे को आज यहाँ आप सभी के बीच अपने विचार रखने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं आप सभी के बीच अपना इन 5 दिनों में जो भी मेरे साथ हुआ वो आप सबों के बीच मैं बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम पूजा है और मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरे साथ मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादा और मेरे भाई भी आए हैं और मैं यहाँ ध्यान शिविर में पहली बार आई हूँ। इससे पहले मैं कहीं की भी ध्यान शिविर में नहीं गई थी। तो मेरे को होता क्या है कि जब आप कहीं भी पहली बार जाएं तो आपको कुछ उसके बारे में नॉलेज नहीं होता कि करना होता क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन जब यहाँ आई और धीरे धीरे मैं यहाँ पे बैठी तो मुझे पता चला कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहली बार यहाँ पे मैं बैठी तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। जैसे कि हम लोग पहले बार कहीं जाते हैं और फर्स्ट टाइम कुछ भी काम करते हैं तो हमको उसमें मन नहीं लगता, वैसे मेरे साथ भी हुआ। फर्स्ट दिन मैं बैठी थी तो मेरे को बिल्कुल मन नहीं लगता था, हाथ पैर कमर पूरा दर्द करने लगता था। लेकिन जब धीरे धीरे यहाँ पे मैं बैठना स्टार्ट की और रोज़ ऐसी बैठती गई तो मेरा जो हाथ पैर दर्द करता था वो दर्द करना बंद हो गया और धीरे धीरे मेरे को ध्यान शिविर में बहुत रुचि आने लगी और यहाँ से मेरे को बहुत ही अच्छी अच्छी बातों का अनुभव भी हुआ और साहेब लोग बताते थे वो मेरे मन को मन में पहुंचती थी और ऐसा लगता था कि हाँ ऐसा मैं ज़रूर करूंगी और हाँ ऐसा मैं करूंगी ही। यहाँ आके बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को भी सीखने को मिला। जैसे कि हम लोगों को पता नहीं था कि सफलता होती क्या है, तो कल गुरुदेव जी हमें बताए कि ये सफलता होती क्या है और जीवन में सफलता मिलती कैसे है। मेरे को अक्सर ऐसा होता था कि सामने वाले मेरे को कुछ बोल देते थे या फिर मैं उनको कुछ बोल देती थी, फिर मेरे को रियलाइज़ होता था कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर मेरे दिमाग में वही बात बार बार घूमती रहती थी कि मैं ऐसा बोली क्यों या फिर वो सामने वाला मेरे को ऐसा बोला क्यों। फिर मैं गुरुदेव जी से कल मिलने गई थी तो ये प्रश्न उन्हें पूछी कि ऐसा होता है साहब जी, ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें बताया कि सामने वाला आपको बुरा बोलता है, आप उस पर ध्यान मत दो, लेकिन आप अगर सामने वाले को बुरा बोल दिए और आपको रियलाइज़ हो गया कि हम बुरा उन्हें बोले हैं और हमें वो बोले हैं उनसे हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो साहब जी ने बताया कि हमें रियलाइज़ हो गया कि हम उनके लिए बुरा किए हैं, तो अगर वो सामने में हैं तो हम उन्हें जाकर सॉरी बोल दे, उन्हें माफ़ी मांग ले। अगर उन्हें हम कहीं बुरा बोल दिए और वो हमारे सामने से चले गए या फिर वो कहीं दूर चले गए तो उन्होंने बताया कि अगर वो नहीं है हमारे पास, हम उन्हें अपने मुंह से आमने सामने सॉरी नहीं बोल सकते, तो हम उन्हें मन से सॉरी बोल सकते हैं। ये बात मेरे को पता नहीं थी तो गुरुदेव जी ने बताया तो पता चला। और ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो यहाँ आकर मुझे सीखने को मिली। यहाँ आकर जो बात सीखने को मिलती है वो कॉलेज और स्कूलों में नहीं मिलती। हाँ स्कूल और कॉलेजों में भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, लेकिन जो बात मेरे को यहाँ आके जो सीखने को मिली वो स्कूलों में नहीं मिली थी। और यहाँ आके मुझे ध्यान शिविर में शुरू दिन तो नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं सोच रही थी कि आई ही क्यों, लेकिन जब धीरे धीरे बैठती गई तो मेरे को अच्छा लगने लगा।
मैं घर में हमेशा 6 बजे सो के उठती थी, 6 से 7 भी बज जाता था, लेकिन यहाँ आके 4 बजे बिल्कुल उठ जाती हूँ। शुरू दिन मेरे को लगा कि नहीं उठना चाहिए करके, लेकिन सभी लोग उठे तो मेरे को भी लगा कि हाँ मुझे भी उठना चाहिए, क्योंकि 4 बजे उठते हैं मतलब कुछ ना कुछ तो इसका फ़ायदा होगा, तभी 4 बजे उठते हैं। और यहाँ अगर सबसे पहली बात तो मुझे समय की जो महत्व है उनके बारे में सबसे ज़्यादा पता चला कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय होती है। अगर उस काम को हम निश्चित समय में नहीं कर पाते तो वो काम कोई काम की नहीं। जैसे कि आदमी को अभी प्यास लग रहा है, वो प्यास से मरते जा रहे हैं और हम उनको 1 घंटा बाद पानी पिलाएंगे तो कोई काम की नहीं। इसीलिए समय का बहुत ही महत्व है। और यहाँ अगर अनेक बातें को सीखने मिली, जैसे कि हम लोग किसी का बुरा चाहते हैं, कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी उसके बारे में बुरा बोलें। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि सामने वाला हमें कुछ बोल दिया, हमें कुछ गाली दे दिया, तो ज़रूरी नहीं कि हम भी उसे गाली दें। सामने वाला हमें कुछ बोल दिया तो ज़रूरी नहीं कि हम उसे गाली दें, क्योंकि अगर वो हमें बोला और हम भी उसे बदले में गाली ही दें तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ आके बोले साहब जी कि सामने वाला कुछ भी बोले लेकिन आपको उनको बोलना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अनेक सी बातें ऐसी हैं जो मेरे को पहले पता नहीं था और यहीं आगे बहुत सी बातें सीखने को मिली। और शिक्षा से संबंधित बातें यहाँ स्कूलों में मेरे को पता नहीं था, लेकिन यहाँ आगे बहुत ही सीखने को मिली। और मन चंचल होता था, शुरू दिन तो ध्यान शिविर में बैठी थी तो मेरा मन बहुत चंचल था, बैठती तो यहाँ थी लेकिन सोचती वहाँ छत्तीसगढ़ की थी। फिर धीरे धीरे जब बैठती गई तो मेरे को अच्छा लगने लगा, और यहाँ ध्यान वहाँ नहीं जाता था, यहीं से बैठता था। और जैसे कि साहब जी बीच बीच में बोलते थे कि सांसों पर ध्यान दो करके, तो कहीं ध्यान भटका रहता था वो और डायरेक्टली आकर सांसों पे ही अटक जाता था। बस इतना कहना चाहती हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय, साहेब बंदगी। बढ़िया, बस जोर से ताली बजा दो। पूजा इतनी देर से मेहनत करके बोल रही थी और इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही थी, तो ताली इतनी कंजूसी से ना बजाएं, है ना, थोड़ा ज़ोर से बजाइए फिर से। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। मैं इनकी बातों को सुन के सोच रहा था, इस उम्र में तो मुझे बोलना ही नहीं आता था, मैं सही बता रहा हूँ। और इतना बढ़िया ये धारा प्रवाह बोलती चली जा रही थी, सारी बातों को प्रस्तुत करती चली जा रही थी, मैं सोच रहा था कि मैं भी कहीं इतनी उम्र में बोलना सीख गया होता ना तो आज तो कुछ और अच्छा बोलता। तो कितनी अच्छी बात बोल रही थी कि ये सच है कि जो बातें जीवन में सुनने को भी नहीं मिलती है, न तो विद्यालय में, न घर में, न समाज में, न मित्र मंडली में, क्योंकि वो सारी चीज़ें जानते नहीं हैं लोग, उनकी क्या गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो स्वयं नहीं जानते हैं तो फिर वो दूसरों को बताएंगे कैसे, उनका विषय ही अलग होता है। और यहाँ का विषय, जीवन से संबंधित विषय, इन बातों को हम जब सुनते हैं, और ख़ास करके मैंने कहा ना बच्चों को, तो बच्चे बड़े ग्रहणशील होते हैं, उनके अंदर रिसेप्टिविटी ज़्यादा होती है, उनको सही चीज़ देने का प्रयास करना चाहिए। यदि सही चीज़ आप बच्चों को नहीं देंगे तो गलत चीज़ अपने आप ले लेंगे वो, उन्हें कुछ चाहिए अंदर डालने के लिए, तो आप सही चीज़ नहीं डालेंगे तो गलत चीज़ अपने आप वो ले लेंगे और वो उनका नुकसान करेगा। और बच्चों का नुकसान केवल बच्चों का नुकसान नहीं है, यह नुकसान बुजुर्गों का है जब वे बूढ़े होंगे। कितनी बार जब कभी कभी मैं सभा में कहा करता हूँ, बच्चों का मतलब है सेविंग अकाउंट,
सेविंग अकाउंट में जितना आप डिपॉजिट करते हैं आगे चल के वही विड्रॉल करते हैं। ऐसे ही बच्चों में जो आप जमा करेंगे, जो जो सद्गुण जमा करेंगे, दुर्गुण जमा करें, कुछ भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो आगे चल के लौटाने वाले हैं, लौटाने वाले हैं। इसलिए आप सही बातों को डिपॉजिट करें, एक अच्छा आदर्श स्थापित करें बच्चों के सामने। और ज़्यादातर जिम्मेदारी है माँ को, पिता को, घर वालों को, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। माँ ही गलत करेगी, पिता ही गलत करेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे? टीचर से गलत करेंगे, ये तीन कहीं सुधर जाए ना, माँ, पिता और टीचर, ये तीन कहीं ठीक हो गए ना, तो पूरा समाज का नक्शा बदल जाएगा, समाज का नक्शा बदल जाएगा। इसलिए कम से कम जो लोग इन बातों को समझते हैं, इनकी अहमियत समझते हैं, वे लोग इस पर ध्यान दें। और पूजा और दीक्षा प्रारंभ में बहुत अच्छी बातें बता रही थी।